रेखा कुशवाहा, वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ, कंटेंट के साथ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू मेक नोट्स। बहुत ही ऑसम टॉपिक है ये, और सबसे ज़्यादा डिमांडेबल टॉपिक था। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझे ये पूछा था कि मैम, टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं हमें, तो किस तरीके से नोट्स बनाने चाहिए। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, तो सबसे लास्ट तक आप लोगों को कंटिन्यू करना है इस वीडियो को। और जो भी इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताऊंगी बहुत ही अमेजिंग है। आई थिंक अगर मैं बात करूँ, कोई भी घिसी पिटी चीज़ें नहीं होंगी, ना ही कोई ऐसे टॉपिक्स या ऐसे पॉइंट्स होंगे जो ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं सुने हुए होंगे। नए टॉपिक्स होंगे, नए पॉइंट्स होंगे, नए ट्रिक्स होंगी जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। यानी कि अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो 100% श्योरिटी कि आप फर्स्ट टाइम में अपने एग्जाम को निकाल सकते हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम्स को। तो सबसे पहले तो वीडियो देखने से पहले लाइक इट जरूर कर दें, क्योंकि मेरे हिसाब से जितनी भी मेहनत आज के इस वीडियो में मैंने कंटिन्यू की है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सपोर्ट आप लोगों का मिलना चाहिए। और कंटिन्यू कीजिए लाइक हिट के थ्रू, ताकि मैं यूं ही आप लोगों के सामने क्लासेस लेकर आती रहूं। स्टार्ट करेंगे एवरी वीडियो में, जहां पर अभी मैं सीरीज लेकर आ रही हूं D++B and KVS, उसमें मैं इस मतलब कि स्लाइड को मैं जरूर शो कर रही हूं। इस स्लाइड के अकॉर्डिंग मैं ये भी बता रही हूं कि कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए। तो यहां पर जो आज का टॉपिक है मेक नोट्स, इस टॉपिक को मैंने कई वीडियोस में कहा था कि मैं ये टॉपिक के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो अब वो समय आ गया है कि वो वीडियो अब आप लोगों के सामने है। तो मेक नोट्स का पूरा की पूरा टॉपिक आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि किस तरीके से आप लोग अपकमिंग ऑल टीचिंग एग्जाम्स में मेक नोट्स के जरिए अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं फर्स्ट टाइम में। सो कंटिन्यू कीजिए लर्निंग को, अपनी प्रिपरेशन को, और स्टार्ट कर दीजिए बिल्कुल एकदम अपने एग्जाम को। और एक जुनून आप लोगों के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि हाँ, हम इन टिप्स को फॉलो करने के बाद अपने एग्जाम को जरूर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले टिप्स आप लोगों के सामने क्या है, देखिए पूरा एग्जाम्पल, पूरा मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने है। जो भी मैं नोट्स बनाती हूँ, जो भी मैं फॉलो करती हूँ, जो भी चीज़ें मैंने अब तक देखी हुई है एज अ एक्सपीरियंस, तो वो आप लोगों के सामने मैं शेयर करूंगी। पहले टिप नंबर 1, प्रेफर योर लैंग्वेज। प्रेफर योर लैंग्वेज यानी कि जब भी हम नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं, आप लोग अपनी लैंग्वेज को चूज करें। कई कैंडिडेट्स होते हैं जो हिंदी को चूज करते हैं कि हमें हिंदी में नोट्स बनाना पसंद है, कई कैंडिडेट्स होते हैं जो इंग्लिश को चूज करते हैं, तो इंग्लिश में बनाइए। कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप लोगों को, ना कोई ऐसा आप लोगों को फोर्स कर रहा है कि सिर्फ हिंदी में ही बनाइए या सिर्फ इंग्लिश में ही बनाइए। आप लोगों को अपनी लैंग्वेज प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देनी है। और अगर मैं बात करूँ, मेरी जो प्रेफरेंस है वो ऑलवेज हिंदी रही है। मैं हमेशा नोट्स बनाती हूँ, बेशक इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्लास चल रही है, लेक्चर चल रहा है इंग्लिश के अकॉर्डिंग, कुछ चीज़ें वहाँ पर एज अ डेफिनेशन, एज अ बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इंग्लिश में रिवाइज करवाए गए हैं, रिवाइज या बताए गए हैं, एक्सप्लेन किए गए हैं। बट मेरी प्रेफरेंस रहती है कि मैं हमेशा कुछ चीज़ें अपने माइंड में बिल्कुल बिठाने के लिए, माइंड में अगर आप लोगों को कोई डेफिनेशन बिठानी है, कोई टॉपिक बिठाना है, तो हिंदी को प्रेफरेंस दीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर एक टॉपिक है जो मैं कंटिन्यू कर रही थी हिंद स्वराज के बारे में, तो ये पूरा एक अपने आप में एक टॉपिक था, पूरा चैप्टर था। तो मैंने जब इसे अच्छे से क्लियर आउट किया, हालांकि ये इंग्लिश का टॉपिक था, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो मैं सारी चीज़ें कवर कर ही रही थी, बट मुझे कुछ चीज़ें समझने के लिए जो मेरे माइंड में इंस्टेंटली बिल्कुल बैठ जाए, तो उसको मैंने एज अ हिंट के तौर पर क्या लिखा, हिंदी में, ताकि जब मैं रिवीजन करूं, जब मेरा रिवीजन का पोर्शन कंटिन्यू हो, या मैं जब भी कभी भी एक घंटे बाद, दो दिन बाद, एक महीने बाद जब अपने नोट्स पढ़ूं, तो मुझे पता चल जाए कि ये मैंने किस चीज़ से रिलेटेड लिखा हुआ था। तो ये आप लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू। तो आप लोगों की मर्जी है, कोई मैंने यहाँ पर सजा धजा के नहीं लिखा हुआ है, अपनी लैंग्वेज में जो मुझे समझ आता है, जो आप लोगों को समझ आता है, उसके अकॉर्डिंग लिखिए, ठीक है। और यहाँ पर एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जैक्ट इट मीन्स यहाँ पर मैंने अपनी ही लैंग्वेज में जैसे लिखा हुआ है, मतलब कि कुछ लोगों की वजह से स्वराज ना मिले, उनकी पावर की वजह से जो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन करती है, तो ये टॉपिक मैं समझा नहीं रही हूँ, नॉर्मली एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये मैंने अपनी वर्डिंग के अकॉर्डिंग लिखा है, ताकि मुझे समझ आ जाए कि मैं ये किस टॉपिक से रिलेटेड बात मैंने यहाँ पर कही है। तो ये आप लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देनी है। तो ये अमेजिंग पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि लैंग्वेज प्रेफर कीजिए नोट्स बनाने से पहले, और फॉलो कीजिए हिंदी को ही, मातृभाषा को ही, ताकि हर चीज़ आप लोगों के माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए, ठीक है। तो ये आप लोगों का पहला पॉइंट होगा जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, बिल्कुल माइंड में रखना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, तो लाइक थम जरूर दे दीजिएगा भाई। नेक्स्ट है हमारे सामने बहुत ही अमेजिंग टिप है,
और अगर मैं बात करूं 100% श्योरिटी है, गारंटी है। वैसे एक बात क्लियर करती हूँ कि आज के टाइम पे ज्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं ऑनलाइन स्टडी को, ऑनलाइन कहीं ना कहीं से वो लेक्चर पढ़ रहे हैं, लेक्चर समझ रहे हैं या कोई भी ऐसा टॉपिक समझ रहे हैं, तो वो ऑनलाइन चीजें कंटिन्यू चल रही हैं। तो वहां पर कई कैंडिडेट्स हैं जो मुझे भी ये चीज बताते हैं कि मैम हमने इस टॉपिक में से ये चीज लिखी है, और आप लोग भी कहीं ना कहीं लिखते होंगे उन टॉपिक्स को, उन पॉइंट्स को लिखते होंगे जो आप लोगों को कहीं ना कहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए दो यहाँ पर चैप्टर हैं जो मैंने कंटिन्यू किए थे और ये पॉइंट्स मैंने लिखे थे, सेल्फ लिखे थे। हालांकि मैंने यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से, जैसे पियाजेट के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ पॉइंट्स जो उनके बारे में है, संज्ञानात्मक विकास जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनकी अवस्थाएं लिखी हुई हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पर सजा धजा के नहीं लिखना है, सबसे पहले तो आपकी जैसी राइटिंग है, हैंड राइटिंग है, उसी के अकॉर्डिंग लिखिए। इवन अगर आप खिचड़ी भी बना रहे हैं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को बस समझ आनी चाहिए लैंग्वेज, वो कंटिन्यू करना है। हाँ एक चीज आप कर सकते हो कि अलग अलग पेन से या जो भी स्केच पेन से उनका यूज कर सकते हो, ताकि आप लोगों को टाइटल अलग से समझ आ जाए, टॉपिक्स अलग से समझ आ जाए, डेफिनेशंस अलग से समझ आ जाए, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन स्टडी में ऐसा होता है कि ये टॉपिक्स हम लिखते हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सेकंड ऑप्शन यानी कि सेकंड जो टिप है वो है बहुत ही अमेजिंग, मेक एनी इजी नोटेशंस, यानी कि संकेतक चिन्ह बनाइए, संकेतक चिन्ह जहां से आप लोगों को पता चल जाए कि वाओ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाओ ये तो एग्जाम में आ सकता है, इट मीन्स ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट मीन्स ये तो हमें घोलकर पी ही लेना है, यानी कि ये एग्जाम में 100% आने वाला है। ये कुछ बातें होती हैं जो हम कहीं ना कहीं सुनते हैं, टीचर्स भी बोलते हैं हमारे सामने, इवन हम कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी हमारे माइंड में ये चीज आ जाती है कि ये तो हाँ एग्जाम में आ सकता है। तो नोटेशन बनाना है, जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने JAH का मतलब होता है जरूर आता है। जैसे मैंने कोई भी ऐसा टॉपिक लिया और जहां पर मैंने लिख दिया उसको, जैसे मैंने यहाँ पर KAH लिखा हुआ है, इसको भी मैं बताऊंगी, तो JAH आप लिख सकते हैं कि जरूर आता है, ये क्वेश्चन जरूर आता है, तो वहां पर आप हेडिंग बना के, छोटा सा सर्कल बना के आप JAH लिख सकते हैं। GPL, GPL यानी कि घोल के पी लो। कुछ डेफिनेशंस होती हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं कुछ, जैसे साइकोलॉजी में ज्यादातर होती हैं, पैडागोजी में होती हैं, तो कुछ स्टेटमेंट जो हमें घोल कर पी लेनी है कि हाँ ये वाली स्टेटमेंट तो आ ही सकती है, तो ऐसी चीजों के लिए आप सर्कल बना के GPL लिख सकते हो। TKL, TKL यानी कि टेट एग्जाम के लिए, जैसे यहां पर मैंने लिखा हुआ है इसको देख सकते हैं आप एग्जाम्पल के लिए, TKL यानी कि टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये। एवरी टेट एग्जाम में कॉग्निटिव डेवलपमेंट से कुछ चीजें आती ही हैं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो TKL इस तरीके से यूज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। KAH यानी कि कम आता है, ये मैंने अपने ही अकॉर्डिंग बनाई है, ऐसे बनाइए जो आप लोगों को इजी लगे और आप लोगों को समझ भी आ जाए, कि बाद में आप ये ना सोचो कि अरे भाई ये क्या लिखा हुआ है सर्कल में समझ ही नहीं आ रहा। अपनी लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग बनाइए, ये तो मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है आप लोगों को एग्जाम्पल देने के लिए। KAH यानी कि कम आता है, किसी भी साइकोलॉजिस्ट के बारे में उसकी जो जीवनी है या उसकी बायोग्राफी है इतना नहीं पूछा जाता, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है KAH यानी कि कम आता है। हालांकि मुझे पता होना चाहिए, आप लोगों को भी पता होना चाहिए, जीन पे जब पियाजेट स्विट्जरलैंड के हैं, बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, और इन्होंने बिनेट के संग जो हैं, जिन्होंने IQ का सिद्धांत कंटिन्यू किया, उनके साथ बहुत सारे काम कंटिन्यू किए, तो ये कुछ चीजें हैं जो इस तरीके से एज अ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछी जा सकती है, बट किसी की जीवनी बायोग्राफी कम आती है, तो ये मैंने KAH यानी कि कम आता है। तो ये नोटेशन आप लोग अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है, और ये आप करके देखेंगे ना तो मेरे हिसाब से आप लोगों का एग्जाम कहीं ना कहीं आप लोगों को खुद सेल्फ रियलाइज होगा कि वाओ जब मैं रिवाइज कर रहा हूँ अपने नोट को या कर रही हूँ तो कितना आसान हो रहा है मेरे लिए। अगर आप लोगों को चाहिए कि एक वीडियो मैं उस पर भी लेकर आऊँ जहां पर आप लोगों को नोट्स कैसे रिवाइज करने हैं, कैसे उन्हें दोबारा माइंड में मतलब 2 से 3 बार सेटअप करना है अपने माइंड में, तो वो भी मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगी। बस लाइक इट चाहिए मुझे आप लोगों का, और शेयर जरूर कर दीजिएगा एवरी कैंडिडेट तक, ताकि उनके माइंड में भी ये ना रहे कि हम तैयारी कैसे करें, ठीक है। थर्ड पॉइंट की ओर चलेंगे, थर्ड पॉइंट भी बहुत अमेजिंग एंड जिसे हम कहेंगे कि इजी होने वाला है, और सब कुछ इजी आप लोगों को लगेगा, और यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को ये शो कर रखा है। मेक सिंबल्स या मेक्स सिंबल्स आप लोगों को कंटिन्यू क्या करना है कि ये देखिए क्लाउड बना रखा है मैंने, रेक्टेंगल है, सर्कल है, डबल टिक एंड सिंगल टिक है,
तो ये आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा कि क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया है, रीजनल थ्योरी किसने दी है, कुर्ट लेविन ने दी है। ठीक है, तो मेरे माइंड में जब भी अगर ऐसा कभी हुआ कि मैं मॉक टेस्ट सॉल्व कर रही हूँ या कोई क्विज अटेम्प्ट कर रही हूँ, तो मेरे माइंड में ये सडनली एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्षेत्रीय सिद्धांत क्या होता है या ये किसने दिया है। तो नॉर्मली पता चल जाएगा कि ये किसने दिया है, कुर्ट लेविन ने दिया है, क्योंकि मैंने इसको पिंक कलर के हाईलाइट से उसे शो कर रखा था। तो ये कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है इन सिंबल्स को। तो जरूरी नहीं है कि आप सब ये क्लाउड्स बनाए, जो भी आपको ऐसा लगता है कि रेक्टेंगल में आप लोगों को उनको शेयर करना है, सर्कल में शो करना है, डबल टिक में शो करना है, तो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका भी अपना ही एक मीनिंग होता है। डबल टिक का मतलब ये कहीं ना कहीं जरूर आता है एग्जाम में, ऐसे भी बना सकते हैं, या इसको रिवीजन के तौर पर लेना है कि हाँ डबल टिक यानी कि रिवीजन करना है हमें, सिंगल टिक यानी कि हमने इसको एक बार रिवाइज कर लिया। तो ये आप लोग अपनी लैंग्वेज में अपने ही अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो ये था सिंबल्स का एक पर्टिकुलर पॉइंट जो आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जाम को क्लियर करने में। ठीक है, तीन आप लोगों के सामने टिप्स रख दी हैं, और ये तीनों अगर अमेजिंग लगी अभी तक, क्योंकि आगे भी अमेजिंग ही होने वाली है क्लास, तो वो आप भी लाइक थम जरूर कर दीजिए। ठीक है, और जो कैंडिडेट्स न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। फोर्थ जो टिप है वो भी बहुत अमेजिंग है, विद एग्जाम्पल के साथ मैंने कंटिन्यू की है, और वो है यूज अपर एंड बॉटम साइड फॉर शो इम्पॉर्टेंट। कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी ऐसी डेफिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पास ऐसी नोटबुक है और आप उसमें कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप लोग ऐसे पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं इजी लैंग्वेज में, घिसी पिटी लैंग्वेज में, सड़ी सी लैंग्वेज में आप लिखिए, कोई ऐसा इशू नहीं होगा, बट आपको समझ आनी चाहिए। आपने इसको बॉक्स में मतलब कि कवर अप कर लिया और रेड पेन से आपने लिख दिया, किसी अदर पेन से लिख दिया, क्योंकि मेनली आप बना रहे हैं ब्लू पेन से नोट्स, और इसको हाईलाइट करने के लिए आपने ये लिख दिया और स्टार बना के डबल टिक कर दिया, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके माइंड में है कि ये जो डेफिनेशन है ये इम्पॉर्टेंट है। इसे जब मैं एग्जाम से 5 दिन पहले या 2 दिन पहले रिवाइज या रिवीजन कंटिन्यू करूँगी, तो इट मीन्स ये मेरे माइंड में आ जाएगा कि हाँ इस वाले डेफिनेशन को मुझे ज़रूर पढ़ना है। तो ये ज़रूर कीजिए, ये वाला जो पॉइंट है बहुत ही अमेजिंग है, विद एग्जाम्पल मैंने बताया है, और ये साइंस के नोट्स का है और मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को दिया है साइंस के नोट्स के अकॉर्डिंग। कोई भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ साइंस हो या इंग्लिश हो, हिंदी हो, सोशल स्टडीज़ हो, साइकोलॉजी हो, पैडागोजी, कुछ भी जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों का यूज़ करें। ठीक है, फोर्थ टिप हो गई आप लोगों के सामने, जो कहीं ना कहीं आप लोगों के माइंड को सेट करने में, माइंड को इंस्टेंट रिवाइज और प्रिपरेशन करने में आप लोगों की हेल्प कर रहा है। चलेंगे नेक्स्ट टिप की ओर। मेक नोट्स एज अ खिचड़ी, बहुत अमेजिंग पॉइंट लगता है मुझे और मैं इसका बहुत यूज करती हूँ। ये मेरी ही राइटिंग है और जितने भी अभी तक आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी सारी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मेरी ही राइटिंग में कवर हुआ है, तो एक एक एग्जाम्पल के साथ मैं क्लियर कर रही हूँ। अपने नोटबुक को खिचड़ी बना दीजिए, पर ऐसी खिचड़ी मत बनाइए कि आप लोग जब दोबारा नोटबुक खोलकर देखें तो आपको समझ ही ना आए कौन सा क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये एक फर्स्ट क्वेश्चन था जिसका आंसर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, मैंने सेल्फ प्रैक्टिस की पर मुझे समझ नहीं आया, और मैंने क्या किया कि मैंने कहीं से उसे यूट्यूब से या कहीं ना कहीं से उसका डाउट क्लियर किया, और डाउट क्लियर करने के बाद क्या हुआ, मैंने उसे यहाँ पर सॉल्व किया, मतलब देख कर सॉल्व किया है, समझ कर सॉल्व किया है। तो इट मीन्स आप लोगों को क्या पता चल जाएगा, जब आप नेक्स्ट टाइम पर अपनी इसी नोटबुक को देखोगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में तो मेरी गलती हुई थी, तो इट मीन्स मुझे ये टॉपिक ज़रूर करना है। इट मीन्स जैसे आप देख सकते हैं सीआई और एसआई का ये टॉपिक है, मैथ्स का टॉपिक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन में या इस चैप्टर में मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत तो है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा कि वहाँ पर आप लोगों का बन जाएगा ये वीक एरिया, यानी कि वीक टॉपिक। इस वीक टॉपिक को क्या करना होगा, फिर आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा कि आप लोग अपनी नोटबुक को इस तरीके से मैथ्स एंड रीजनिंग में खिचड़ी बना रहे हैं, तो ये आप लोगों को फॉलो करना है किसमें, खिचड़ी बनाने में। इतनी भी खिचड़ी मत बनाइएगा कि नेक्स्ट टाइम आपको पता ही ना चले और कोई अदर भी देखे तो आपको पता ही ना चले कि क्या लिखा हुआ है, आप दूसरों को भी ना समझा पाओ कि मैंने क्या लिखा हुआ है। बनाना ऐसा है कि आप लोग गलती कर रहे हैं तो उसी गलती के नीचे ही उसका इम्प्रूवमेंट या उसका जो सुधार है वो आप उसी के नीचे लिखें। जैसे इसका सुधार मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो क्लियर आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन तो मुझसे आया ही नहीं, इसको फिर मैंने अच्छे से डाउट सेशन के अकॉर्डिंग क्लियर करके लिखा, तो इट मीन्स ये मेरा वीक एरिया, वीक पॉइंट बन गया, वीक टॉपिक बन गया, इसको मुझे बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो होप सो फिफ्थ पॉइंट भी, फिफ्थ टिप भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी।
और कहीं ना कहीं आप लोग फॉलो करते जाएंगे इन टिप्स को, तो क्लियर है आप लोगों का एग्जाम 100% श्योरिटी है मेरी। देन है आप लोगों के सामने लास्ट टॉपिक है, लास्ट टिप है और लास्ट पॉइंट है, लीव रिमेन पेजेस आफ्टर वन टॉपिक। एक एग्जाम्पल यहाँ पर, हालांकि मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं दिया क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं था एग्जाम्पल, बट मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं और मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल के लिए, मैंने कंटिन्यू किया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक टॉपिक ले लिया, ठीक है, और इसको मैंने कंटिन्यू किया क्योंकि अपने आप में ये बहुत बड़ा चैप्टर है। मैंने इससे रिलेटेड कम से कम 4 पेज का क्या बना लिया, नोट के अकॉर्डिंग पूरे 4 पेजेस के मैंने नोट्स बना लिए और एक एक पॉइंट हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपका फर्स्ट चैप्टर, फॉर एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट चैप्टर था, क्लियर हो गया। अब आप जा रहे हैं नेक्स्ट क्लास की ओर, यानी कि दूसरे तीसरे दिन आप सेकेंड चैप्टर पर जा रहे हैं, तो आपको करना क्या है, कम से कम 3 पेजेस आप यहाँ पर छोड़ेंगे और फिर आएंगे सेकेंड चैप्टर पर, फिर आप लोगों को करना है सेकेंड चैप्टर और फिर उसके नोट्स बनाना स्टार्ट करना है। मतलब मेरे कहने का मतलब आप लोग शायद समझ रहे होंगे कि एक चैप्टर को या एक टॉपिक को क्लियर करने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक इंस्टेंट शुरू नहीं कर देना है, उसके बीच में कम से कम 3 से 4 पेज आप लोग छोड़िए। क्यों छोड़िए, कि जब भी आप लोग नेक्स्ट टाइम रिविजन कर रहे हैं या कोई ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं या कहीं से भी आप लोग क्लासेस ले रहे हैं, तो वहां से आपको ऐसा लगे कि हाँ ये वाली टीचर ने तो मुझे ये वाला पॉइंट बताया है, तो इट मीन्स ये वाला भी लिखना भी बहुत जरूरी है। तो ये जो 2 से 3 या 3 से 4 पेज जो होंगे ना, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को हेल्प करेंगे अपने नोट्स को इम्प्रूव करने में, बढ़ाने में, और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उनमें ऐड करने में, तो ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो जाता है आप लोगों के लिए 6th पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये 6 टिप थी जो आप लोगों को क्लियर करनी जरूरी थी, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो बहुत ही अमेजिंग क्लास के अकॉर्डिंग बनेगा। क्लियर कीजिए इन 6 टिप्स को और लास्ट तक वीडियो आप लोगों ने देखी उसके लिए थैंक यू। सभी लिंक से जुड़िए जो भी आप लोगों के सामने ये दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं सभी लिंक, और शेयर जरूर करिए वीडियो को, एवरी कैंडिडेट तक पहुंचाइए ताकि हर कोई इससे अपने रिवीजन और प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सके। इससे ये वीडियो सिर्फ नॉर्मली अगर मैं कहूँ टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड नहीं, ऑल ओवर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड है, आप कहीं पर भी बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये टिप आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो शेयर जरूर कीजिए इन पॉइंट्स को, बताइए एक दूसरे को, एक दूसरे को समझाइए या वीडियो शेयर कीजिए सबसे इंपॉर्टेंट, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए, बस आप लोगों का मुझे यही सपोर्ट चाहिए, यही प्यार चाहिए। सो लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी रही और गिव योर पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट, और सभी लिंक से जुड़कर अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट कंटिन्यू करें। कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड शेयर और फॉलो जरूर करें, और अनअकैडमी पर मैं क्लासेस जो कंटिन्यू कर रही हूँ उन्हें भी जरूर देखिए। टेट एग्जाम के रिविजन और प्रिपरेशन वहां पर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ आप लोगों के लिए। कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।